राइडिंग करते करते बस अब बस सामने से हमारी निकल सो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम पुष्कर पहुंच गए थे और सुबह सुबह हम उठकर हम ब्रेकफास्ट करने लगे और उसके बाद हम पुष्कर को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। हम पुष्कर मार्केट गए, पुष्कर लेक गए, ब्रह्मा टेंपल गए और कहां कहां गए सब आपको अच्छे से दिखाते हैं। दिया और बात की शूटिंग हुई थी और जो सूरज और संध्या वाली सीरियल है यही की शूटिंग हुई थी। बाहर से बाहर ब्रह्मा घाट में आ चुके हैं। So, अभी हम कैमल राइडिंग के लिए जा रहे हैं और देख सकते हैं सब कोई रेडी है। एक ऊंट में दो लोग बैठने वाले हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ बैठते हैं हम और अच्छी कितनी अच्छे से हो सकती है। कौन ऊंची ऊंची पीठ ऊंची कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पीठ ऊंची कुछ ऊंची ऊँट की पूछ ऊंची पीठ ऊंची राइट जो भी है। हम ऊँट की सवारी करने स्टार्ट कर दी है। विद मी माय पार्टनर हेलो आज मैं ड्राइवर हूँ। हाय कर दो हाय कर दो फोन का ध्यान रखना है। हेलो प्रीति हाय भाव राज की सवारी करके कैसा लग रहा है? राज से भी पूछो राज को कैसा लग रहा है। राज को अच्छा लग रहा है। तुम्हारा हो गया कैमल राइडिंग कैसा लग रहा है प्रिया? बहुत ज्यादा डर लग रहा है। देखो जो पहला बार कर रहा है ना वो जिसको स्पेशली हाइट से डर है उनको तो बहुत ज्यादा डर लगेगा बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सुपर एक्सपीरियंस एक नंबर एक नंबर। हमारे राज को हाय कह दो। बाय बाय राज। बताओ कौन कौन चले थे? बहुत बहुत अच्छा लगा एक नंबर। मैं राइडिंग तो बहुत अच्छी रही और वो हमारे एडवेंचर ट्रिप टाइप मस्त घुमा रहे थे। जो स्पीड में उड़ाया है इतना स्पीड में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी लग रही है। अभी तो आगे जा रहे हैं। अच्छा अभी थोड़ा और आगे जा रहे हैं ऑन स्पेशल डिमांड। सो यस बस हमारा वेट कर रही है 10 मिनट का टाइम हमने लिया है और उसके बाद अब हम भी भावना का सहयोग दे रहे हैं। वेट करो आज सीआर का पूरा फायदा उठाते हुए भावना। कौन सी सीआर इधर ही है? कौन सी सीआर इधर ही है? दुष्यंत और मैं मस्त हम एंजॉय कर रहे हैं। तो कैमल राइडिंग करते करते बस अब बस सामने से हमारी निकल गई है। अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल 3 किलोमीटर चलेंगे और पहुंचेंगे लंच के लोकेशन में। सो ऐसा होता है जब टीम भटक जाती है। इसी तरह से ऑटो से पहुंच गए हैं अभी होटल। हम थोड़े रास्ते में रुके हुए हैं चाय और नाश्ते के लिए। यहाँ चाय बन रही है और सब लोग वेट कर रहे हैं। 2.5 घंटे का रास्ता और है उसके बाद हम अपने दूसरे जो भी स्टेज यहाँ पे भी होगा वहाँ पहुँच जाएंगे शायद होपफुली अगर कहीं और नहीं रुके तो ऐसे ना। अब तो कहीं नहीं रुकेंगे अब तो हो गया हम पहुंचेंगे। सो ये है हमारा 3rd रूम। सो ये आप व्यू देख सकते हैं और ये भी एक बहुत ही अच्छा हमें रूम प्रोवाइड कराया है जो कि हमने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिस इज़ द वॉशरूम। वॉशरूम इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड दिस इज़ मी।
ऐसी बुरी हालत हो जाती है जब आप दिन भर ट्रेवल करते हैं. सो यस, और दिस इज ऑल अबाउट द रूम टूर. आगे की आपको बाद में दिखाती हूँ. मेरी फ्रेंड वेट कर रही है एज यूजुअल. उसके बाद हमने यहाँ डिनर एंजॉय किया. बिलीव मी फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा स्टे यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं भारत दर्शन में. वी रियली एंजॉयड एवरीथिंग. सो अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट डे का दिखाती हूँ. टिल देन बाय बाय.